हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है निर्वी फैशन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कॉलर नेक कुर्ती कटिंग। तो मैंने इसको फुल डिटेल बताई है, कितना आर्म होल लेना है और कितना शोल्डर लेना है। तो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारी कुर्ती का ये जो आगे का पार्ट है, इसको हमने बिल्कुल सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लिया है। ऊपर इसके गले पर ये डिज़ाइन है और नीचे भी ये घेरे पर इसकी डिज़ाइन है। तो हमने बिल्कुल सेंटर से अच्छे से इसको फोल्ड करके और प्रेस कर ली है अच्छे से। अब ये जो कढ़ाई है, इसको बिल्कुल सेंटर से हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम एक सीधी लाइन खींचेंगे उधर, ताकि जो हमारी कुर्ती में है ना, सीधी लाइन खींचने के बाद अब हम इस पर निशान लगाएंगे। हम कॉलर नेक बना रहे हैं तो उसके लिए जितना हमारा शोल्डर है, जितना भी हमारा शोल्डर है उससे आधा आधा इंच हम ज्यादा लेकर के, जैसे कि हमारा शोल्डर है 16 इंच का, तो उसका हाफ करेंगे तो 8 इंच हो गया। आधा इंच लेंगे हम मार्जिन का, तो हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। आपको आर्म होल आप जितना लेते हैं उससे आपने आधा इंच कम लेना है, क्योंकि आधा इंच हम जब पीछे का पार्ट कट करेंगे तो वो आगे की तरफ आएगा ना, तो उसमें हमारा आधा इंच आर्म होल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 6.5 पर एक निशान लगा देती हूँ। इस निशान को भी हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इधर से हम लेंगे, उधर से लिया था हमने 8.5 इंच, इधर से हम 1 इंच कम करेंगे। और इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे। अब हम आर्म होल की शेप देंगे। यहां पर हम अपना फिटिंग का निशान जो है वो लगा लेंगे, जितनी भी आपकी हो उसका चौथा भाग करके, जैसे मेरी 40 है तो उसका फोर्थ भाग है 10 इंच। 10 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर शेप देंगे। शेप हमने कहाँ से देनी है, 2.5 इंच है तो 2.5 इंच इधर लगाएंगे निशान, और इधर से ऐसे हम शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से, शेप देने के बाद अब जो आपका कमर का निशान है वो लगा लीजिए। वो हम कितने पे लगाएंगे, इधर से आर्म होल से हम 7 इंच पर लगाएंगे। और जो ये हिप का निशान है वो हम 13.5 पर लगाएंगे, सिलने के बाद 13 इंच रह जाएगा। इन दोनों निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सीधा करने के बाद हम जितनी हमारी फिटिंग है उतना हम निशान लगाएंगे। उसका भी हम थोड़ा हिस्सा करेंगे, कमर का भी जितनी है आपका उतना कर लीजिए। मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, नीचे फिर मैं लगाऊंगी 10 इंच पर। इन तीनों निशानों को ऐसे सेपर पट्टी से हम निशान लगा देंगे।
इस तरीके से ये हमारे निशान लग करके कंप्लीट है। अब हम जो बार की तरफ मार्जिन रखेंगे, डेढ़ डेढ़ इंच भी रख सकते हैं आप, दो दो इंच भी रख सकते हैं, मैं दो दो इंच रख रही हूँ। ऐसे ही हम इन निशानों को नीचे तक सीधा करेंगे। दोनों निशानों को हमने सीधा कर दिया है। हमने इसकी कटिंग करनी है यहां से लेकर के जो ये सेकंड वाला निशान है वहां तक। एक बार हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए आपने ये भी कट करना है, ऊपर से जो हमने एक्स्ट्रा निकाला था ये अनइक्वल फैब्रिक था, इसको इक्वल करते हुए लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग रखनी है कितनी आपको कुर्ती की लेंथ बनानी है। तो अब हम इसको जैसे हमारा ये हिप का पार्ट सबसे ज्यादा है, हिप का भी और ऊपर से भी 10 इंच है, तो हम कितना लेंगे 12 इंच हम पीछे का जो कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करके 12 इंच लेंगे। तो हम उसको सेट करके इसके नीचे रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए आप कोई भी हिस्से से डबल फोल्ड है इसको ऐसे लेंगे, 12 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। 12-12 इंच पर हम जितनी भी लंबाई है कपड़े की, मतलब हमने जितनी कुर्ती की रखनी है 12-12 इंच पर हम निशान लगा करके इसको फोल्ड करते हैं। ये देखिए 12-12 इंच है सभी जगह से, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी इसकी लेंथ है। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम देखिए इधर से काट देते हैं। ये देखिए हमने काट दिया है, इसको अलग कर देंगे, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। यहां पर भी हम एक सीधा निशान लगाएंगे, यहां से हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब जो आगे का पार्ट है हमने कट किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे, एक इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए। देखिए पहले हम निशान लगा लेते हैं एक इंच, और इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। अब हमने कुर्ती को रखना है इस एक इंच के निशान से नीचे नीचे। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे, पूरे को सेट कर लिया। ये देखिए हमने सेट करके रख लिया है ऊपर एक इंच ज्यादा लेते हुए। अब हम सेम निशान लगा देंगे, देखिए इस तरीके से। सेम निशान लगाएंगे, और यहां से ऊपर से आगे वाला पार्ट है ये, एक इंच डाउन देंगे। देखिए इस तरीके से एक इंच, और जितना आपने गला बनाना है, जैसे मैं बनाऊंगी आगे वाला 3.25 इंच, 3.25 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। तो यहां पर निशान लगा देंगे, और यहां से यहां तक इस निशान को ऐसे तिरछा हम लगाएंगे। ये अब हमारा आर्म होल छोटा हो गया, तो ये 5.5 का है। हम इधर से 0.5 इंच या 0.25 इंच इसको डाउन कर लेंगे, एक इंच ज्यादा हो जाएगा तो मैं 0.25 इंच करूंगी इसको डाउन ऐसे, और इस निशान को ये जो हमने गले का निशान लगाया था वहां पर हम मिला देंगे। ये वाला निशान हमारा नहीं है, वो ऊपर वाला निशान है। अब हमने ये जो
ऊपर है बैक पार्ट, इसको भी हमने यहाँ पर तिरछा, मतलब ये 1 इंच डाउन जाएगा, ये 1 इंच का मार्जिन है। आगे वाले पार्ट में हमने ये निशान लगाया था 3/4 इंच पर, देखिए पीछे वाले पार्ट पर हमने लगाना है ये 1 सूत आगे, मतलब 1 सूत बढ़ा करके 3.5 से थोड़ा सा कम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और जो हमने ये 1 इंच का निशान लगा ही रखा है, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब हम इसकी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। और जो आगे वाला पार्ट है इसमें हमने 1.25 इंच ऐसे शेप देनी है, ज्यादा अंदर ना दे, 1.5 इंच ही दे। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए पहले हम आगे वाले पार्ट की करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए दोनों को उठाएंगे और कट लगा देंगे। ये सेंटर का निशान है, यहाँ से उठाएंगे कट लगा देंगे। आप तब सिलाई करेंगे ना तब पता चलेगा कि दोनों कट आपके आमने सामने होने चाहिए, नहीं तो आपकी कुर्ती टेढ़ ही जाएगी अगर आमने सामने नहीं होंगे तो। एक एक कट हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट। अब जो ये निशान हमने फिटिंग का लगाया है, ये हम दूसरी साइड एक ही ऐसे लगाएंगे फिंगर की साइड, अंगूठे की सहायता से ऐसे और ऐसे, तीनों निशान हमने लगा लिए हैं। अब ये जो हमने सेपर पट्टी यूज की थी, आप ऐसे भी सीधा भी लगा सकते हैं कि इस तरीके से हम निशान लगा देंगे, ये हमारे दोनों तरफ निशान आ जाएंगे। तब हम सिलाई करेंगे, हमको फिर नहीं लगाना होगा, अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब देखिए 1/2 इंच आराम वाली इस तरीके से, ये जब आगे की तरफ आएगा ना तो 1/2 इंच आराम से हो जाएगा। साढ़े 8 इंच 17 इंच का ये आराम होल होगा। ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट कट करके रेडी हैं। अब हम इसकी स्लीव्स को कट करेंगे। ये स्लीव्स है, इसको हमने जो बैक वाले पार्ट में से कपड़ा बचा था उसमें से देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से, तो अब हम इसको 4 फोल्ड करके जितनी भी हमने चौड़ाई रखनी है इसको ऐसे रख लेंगे। यहाँ से एक बार इसको इक्वल कर लेते हैं। अब हम यहां से ऊपर जो हमारा शोल्डर जहां से ज्वाइंट होगी वहां से हम इसको 2.5 इंच डाउन देंगे और ये इस तरीके से स्लीव्स का शेप देते हुए हम इसको यहां पर मिला देंगे। और नीचे से भी जितनी हमारी मोरी है जैसे 5.5 इंच है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे।
ये हमारी स्लीव्स और ये हमारी कुर्ती कट करके रेडी है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो ये जब पब्लिश हो जाएगी उसके एक या दो दिन के बाद चैनल पर आ जाएगी, तो आप वहाँ से इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो दोनों ही अलग अलग बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेथड अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ फिर ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर।